ये कार्टून वीडियो जो है हमने मोबाइल से बनाया है, तो आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मोबाइल से ही बना सकते हैं और मोबाइल से आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और हर एक वीडियो पे आपको व्यू ज्यादा आएगा क्योंकि ये फॉलो वाली वीडियो है और इसमें आप एक ही यही वाली वीडियो नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप सेव वाली भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप अमरूद वाली भी बना सकते हैं, मैंगो वाली भी बना सकते हैं, सब्जी वाला भी बना सकते हैं, जैसे बैगन हो गया, जैसे कद्दू हो गया, जैसे बहुत सारे जो सब्जी के वीडियो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसी वीडियो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिलियनों में व्यू है। ठीक है, ये आपका एक ही वीडियो आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा और इसको बनाना भी बताएंगे, एडिट करना भी बताएंगे, कैसे आपको एडिट करनी है, तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। भी फॉल की बोलने वाली वीडियो जो होती है वो आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना होगा और यहां से प्ले स्टोर में एक ऐप आती है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा, इमेज सर्च मैन। ठीक है, यहां पे आप दोस्तों इमेज सर्च मैन पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको इमेज सर्च मैन को ओपन कर लेनी है। इमेज सर्च मैन को ओपन करने के बाद यहां पे आपको फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा ये मिलेगा आपको यहां पे लिखना क्या है सर्च वाले ऑप्शन पे। यहां से कार्टून की बहुत सारी कैटेगरी आप यहां पे ले सकते हैं, बहुत सारे आपको यहां पे क्रिएटर भी मिल जाते हैं, जितने भी आपको कैरेक्टर चाहिए वो सभी कैरेक्टर आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। यहां पे आपको जो सर्च का ऑप्शन आता है यहां पे आपको क्या सर्च करनी है, तो यहां पे पहले आपको सर्च कर लेना है कार्टून वीडियो GIF। ठीक है, आप यहां पे याद रखिएगा कार्टून वीडियो GIF ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, आपको इतना ही सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहां पे सेकंड में ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं आंख ऐसे ऐसे किया जा रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। ऐसे आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं जितने भी कैरेक्टर है वो सभी कैरेक्टर आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर है वो सभी कैरेक्टर आपको यहां पे GIF की कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाती है और जितने भी कैरेक्टर लेना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहां पे कैरेक्टर ले सकते हैं। जैसे ये वाला कैरेक्टर है, आप बहुत सारे कैरेक्टर जो ग्रीन स्क्रीन वाली होती है वो सभी कैरेक्टर आप यहां से ले सकते हैं। चलिए यहां पे हमने ये कैरेक्टर ले लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि अब हमें यहां पे लिपसिंग वाली कैरेक्टर लेनी है। तो यहां पे लिपसिंग वाली कैरेक्टर लेने के लिए आपको क्या करना है कि सर्च करना है लिपसिंग कार्टून ग्राफिक। ठीक है, यहां पे आपको ऐसा लिखना है लिपसिंग कार्टून GIF। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं लिपसिंग जो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखिए बोल रहा है ये, ऐसे ही आपको यहां पे भी ये भी वाला मिल जाएगा बोलने वाला। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे यहां पे जितने भी आपको मिलेंगे सब बोलने वाला ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी है ये सभी बोलने वाले ही मिलेंगे। आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद मेन आता है अब एडिट करने का। ठीक है, तो यहां पे एक और आपको डाउनलोड करनी है, यहीं पे आपको यहां पे इमेज सर्च मैन में ही जाके और आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि अगर आप सेव पर ये वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहां पे लिखना है APPLE एप्पल यहां पे लिखना है और कार्टून। ठीक है, यहां पे CARTOON। ठीक है, मतलब यहां पे आप कार्टून एप्पल कार्टून लिखेंगे तो यहां पे बहुत सारे एप्पल के कार्टून यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या करना है, जैसे ये वाला एप्पल के कार्टून है ये हमें अच्छा लग रहा है, अब इसे हमें डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यहां पे इतना कैरेक्टर आपने डाउनलोड कर लिया, आप चाहते हैं जैसे कि ये वाला बोलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनानी है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो आपको एक ही मतलब जगह पे है, लेकिन वहां पे आपको GIF लगाना है जिसमें बोला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसी अगर आप एक बना लीजिए अपना चैनल जिसपे आप ऐसी ही वीडियो डालेंगे, एक ही वीडियो आपको 100% वायरल करके देगा। तो यहां पे हमें क्या करना है कि अब यहां पे हमने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने गूगल पे क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहां पे आपको रिमूव BG, आपको यहां पे सिर्फ लिखना है BG, यहां पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। BG लिखेंगे तो यहां पे सर्च में आप क्लिक करेंगे तो यहां पे रिमूव BG का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको रिमूव BG, यहां पे हमें क्या होता है कि यहां पे हम जो भी मतलब कैरेक्टर लेते हैं अगर उसका बैकग्राउंड हमें हटाना होता है तो आप रिमूव BG से सिर्फ 1 सेकंड में आप हटा सकते हैं। यहां पे हमें रिमूव BG अपलोड इमेज का ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद मैंने पहले मैंगो लिया था लेकिन अब मैंने यहां पे सेव वाला लिया है, तो यहां पे हम सेव वाला पे क्लिक करते हैं और यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद यहां पे जो हमारा सेव था इसका बैकग्राउंड जो है वो अब पूरी तरह से हट गया है, सिर्फ सेव देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर लेना चाहते हैं, जैसे कि आज आपने वीडियो बनाया सेव का, कल अनार का वीडियो बनाएंगे, परसों आम का बनाएंगे, चौथा कदुआ का बनाएंगे, 4-5 दिन बाद और कुछ का बनाएंगे, तो ऐसे आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है कि काइन मास्टर पे आपको चले जाना है। काइन मास्टर को आपको ओपन कर लेनी है। काइन मास्टर ओपन कर
करने के बाद यहाँ पे ही आपका वीडियो एडिट होगा, तो आपको प्ले स्टोर में ये भी ऐप आराम से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो 9:16 पे क्लिक करेंगे, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो 16:9 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो आपको बना के बताएंगे, वैसे ही आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। अपने हिसाब से एक स्टोरी लिख लीजिए, जो आपको लगे कि ये स्टोरी हमें YouTube पे चलेगा, तब आप यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाइए। लेकिन हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो शॉर्ट वीडियो के लिए 9:16 पे क्लिक करना था और उसके बाद मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई बैकग्राउंड ले लेनी है। बैकग्राउंड लेने के लिए आप जैसे भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इमेज असिस्ट में भी बैकग्राउंड बहुत सारे मिल जाएंगे जो कलर का ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे पीला कलर लेना चाहते हैं तो पीला कलर भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपका पीला आ गया। वैसे ही आप लाल ले सकते हैं, उजला ले सकते हैं, हरा ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो पे अभी यूट्यूब पे व्यू ज्यादा रहा है। अगर आपको चैनल को मोनेटाइज करना है और चैनल पे सब्सक्राइबर लाना है तो पहले आपको सब्सक्राइबर और व्यूअर ही लाना होता है अपने चैनल पे, तो आप शॉर्ट वीडियो बनाइए और शॉर्ट वीडियो से ही आप अपने चैनल पे व्यूअर और सब्सक्राइबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो अभी सबसे ज्यादा चल रही है, आप यहां पे देख सकते हैं, बगल में आपको दिखा देते हैं कि ये शॉर्ट वीडियो अभी बहुत ही ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से इस पे क्लिक करके और जितना बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहां पे जो मैंने सेव लिया था वो सेव लेना है। तो मैंने यहां पे उसका बैकग्राउंड हटा दिया था, तो यहां पे अब व्हाइट बैकग्राउंड उसका नहीं आएगा। यहां पे हम लेयर पे क्लिक करते हैं और यहां पे मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मैंने जो डाउनलोड किया था सेव, वो हमारे सामने यहां पे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सेव वाले को बड़ा करना है, जिसके हिसाब से एडजस्ट इसको कर लेना है। करने के बाद अगर आप ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी को क्या कीजिए कि ऊपर कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, ये ऊपर कर लीजिए और इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेव थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसे हम और भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपका जहां भी डाउनलोड होता होगा GIF, जो आप इमेज सर्च मैन से डाउनलोड किए होंगे, वो आपको मेरा तो पिक्चर में आता है, तो यहाँ पे हम पिक्चर में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लिपसिंक क्या यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि जैसे मैंने आंख वाला लिया था, ठीक है, तो आंख वाला डाउनलोड किया था तो ये हमारा आंख वाला आ गया है। फिर इसको भी हमें ये जो आपको लेयर दिख रहा है ना, इसी को आपको बढ़ाना होता है। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं और ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड हटाना है, आपको जो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड है वो आपको हटाना है। तो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको यहां पे नीचे आना है, जैसे इसी लेयर पे क्लिक करना है जो आपका आंख वाला लेयर है, उसी पे आपको क्लिक करना है और आपको नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, क्रोमा की का ऑप्शन मिला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देनी है। ठीक है, ये अगर थोड़ा छोटा दिखेगा तो यहाँ पे 50 वाले लेवल पर लेके जाएंगे। अगर आप जितना लेवल पर लेके जाना चाहते हैं अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से जितना लेके जाना चाहते हैं अपने हिसाब से लेके जाइए और इसको आप बड़ा कर लीजिए, जितना बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप बड़ा इसको कर लीजिए, जो आपको अर्जेस्ट लगे कि ये सही होगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब हमें यहाँ पे लिपसिंग लगानी है। ठीक है, तो लिपसिंग लगाने के लिए फिर हमको लेयर पे जाना होगा और यहाँ पे आपको लिपसिंग लगानी है तो मीडिया वाले ऑप्शन पे फिर से आपको जाना होगा और फिर मेरा पिक्चर में है तो पिक्चर में हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिपसिंग लिया था वो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए हमें इसे क्रॉप्ट करना है। तो क्रॉप्ट करने के लिए क्रॉप्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको दोनों हाथ से, मतलब ये दोनों उंगली से आपको इसको छोटा कर लेनी है। ठीक है, तो क्रॉप्ट हो गया ये। अब इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप बड़ा कर लीजिए। अगर आप 10 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो 10 सेकंड की बनाइए, 15 सेकंड की बनाते हैं तो 15 सेकंड की बनाइए, या आप 5 मिनट की बनाना चाहते हैं तो 5 मिनट की बनाइए। लेकिन आपके पास कुछ स्टोरी होना चाहिए तभी जाके आप 5 मिनट की वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों देख सकते हैं ये तो ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो ये हटेगा कैसे? ठीक है, तो ये भी आपको जो हटेगा ये
क्रोमा की से ही हटता है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन का ही, सिर्फ ग्रीन वाला ही नहीं हटता है, बहुत सारे आपको कलर भी हटते हैं, आपको हम हटा के दिखाएंगे। यहां पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो आपको लिपसिंग वाला है, और यहां पे फिर आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। क्रोमा की में जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों देखिएगा, यहां पे आपको इनेबल करना है, और यहां पे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ये वाला कर देनी है, ठीक है। ये वाला करेंगे तो ये क्या हुआ कि ये हमारा आ गया, ठीक है। यहां पे दोस्तों देखिए, ठीक है, ये वाला आ गया और ये आया, अब इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो ये वाला हम क्लिक करते हैं और ये वाला हट गया, अब हटेगा ये, ठीक है। यहां पे दोस्तों देखिए, ये वाला हट गया, ठीक है। यहां पे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अपने हिसाब से जितना चाहे उतना अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला हटा दिया, तो आप क्रोमा की से ऐसा नहीं है एक ही कलर आप ग्रीन स्क्रीन ही हटा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रीन स्क्रीन के अलावा भी बहुत सारे कलर आप हटा सकते हैं, बहुत सारे कलर आपको क्रोमा की में मिल जाएंगे। जैसे की कलर में आप जाएंगे तो जितने भी कलर अगर आप चाहते हैं वो सभी कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन ग्रीन स्क्रीन थोड़ा ज्यादा वायरल हो गया इसलिए ग्रीन ही स्क्रीन को लोगों को पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लिपसिंग को क्या करना है, लिपसिंग को आपको बड़ा कर लेनी है, जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा कर लीजिए और आंख को थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हम चालू करके दिखाते हैं ये कैसा आपको दिखता है, ठीक है। अगर आप कुछ लिखना ना भी चाहते हैं तो थोड़ा सेव को नीचे कर दीजिएगा जिसने हिसाब से आप अपने आपको, तो इसमें आपको कुछ भी थोड़ा भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सेव भी जो आपने लिया था उसका भी बैकग्राउंड हटा दिया, और इसके बाद आंख का भी बैकग्राउंड हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे इसका भी बैकग्राउंड, लिपसिंग का भी बैकग्राउंड हटा दिया, और उसके बाद आप खुद का वॉइस ओवर करेंगे, ठीक है। और वॉइस ओवर करने के बाद भी आपको चेंज करना बताएंगे कि अगर आप वॉइस ओवर यहां पे करते हैं तो उसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, वॉइस ओवर करने के लिए सबसे पहले यहां पे आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहां पे वॉइस ओवर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम वॉइस ओवर नहीं करते हैं, यहां पे हम बैक आते हैं, हमारा पहले से वॉइस है यहां पे, तो हम यहां पे वॉइस ले लेते हैं। तो वॉइस लेने के लिए आपको मतलब बहुत सारे वॉइस आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे वॉइस मिल जाएंगे, जितने भी वॉइस हम चाहते हैं वो सभी वॉइस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वॉइस भी चाहिए तो वॉइस भी मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला हट गया शायद, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आ गया। और वॉइस ओवर करने के बाद अब आपको वॉइस चेंज करने की ऑप्शन आती है, जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बोल देते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करने का भी ऑप्शन आ जाता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्या है, तो ये बोल रहा है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कट कर देना है, ये बोल रहा था, ठीक है। ये मुंह देखिए, मुंह खुल रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से आप दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद जो आपने आवाज यहाँ पे दिया है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप बच्चे की भी आवाज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किड का जो ऑप्शन मिल रहा है, ये बच्चे की आवाज है। मैन का जो ऑप्शन है, ये थोड़ा लाउड आवाज है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप ओमैन वाला आवाज डालिएगा। ओमैन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ओमैन वाला आवाज यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ओमैन की आवाज थोड़ी ओमैन जैसा ये लग भी रहा है, ठीक है। तो ओमैन जैसा आवाज आप यहां पे डाल सकते हैं। ऐसे आप एक कैटेगरी में बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। एक यही नहीं, बहुत सारे और भी, जैसे कि मतलब आप किसी डब्बा वाला पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो बने हुए मिल जाएंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियो है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ एक वीडियो को बनाने में एक मिनट टाइम लगेगा अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप 5 मिनट की या 10 मिनट की लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो 5 से 10 मिनट की आपके टाइम लगती है। तो यहाँ पे आपको शायद मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया, अगर आपको समझ में नहीं आ गई तो आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और पूरी जानकारी समझ में आ गई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।